अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे चिकन नगेट्स की रेसिपी, जो आपके साथ शेयर करेंगे, और ये बहुत मज़ेदार बनेगा, बच्चों को बहुत पसंद आता। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। 500 ग्राम ये चिकन का कीमा है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून भर के हम कुटी हरी मिर्च को डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ओरिगेनो, 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 टेबल स्पून धनिया डालेंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसको हाथ से मिलाएंगे। एक चीज क्यूब डालेंगे। इसको हम 15 से 20 मिनट मैरिनेट करके रख देंगे। तो देखिए 15 मिनट होगा इसको मैरिनेट किए हुए। अब हम इसके नगेट्स बना लेंगे। तो बस इतना बड़ा बड़ा लेना है हमें। ये देखिए, तो ये कॉर्नफ्लेक्स है, इसको हम हाथ से ऐसे तोड़ लेंगे, एकदम छोटा छोटा सा कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको इतना महीन कर लिया है, और ये एक अंडा लिया है, इसको फेंक लेंगे। ये मैदा है, इसमें हम कोट करेंगे पहले। इसी तरह से हम पहले सारे बना के रख लेंगे। तो देखिए कोटिंग सब हो गई है। अब ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। देखिए तेल हमने चढ़ा दिया था और तेल मीडियम हॉट हो गया है। अब हम इसको स्लो टू मीडियम पे फ्राई करेंगे। बस जितने पीस आपकी कढ़ाई में है उतने ही डालिएगा। हम इसको बस 1 से 2 मिनट इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो देखिए 1 से 2 मिनट हो गए, हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो देखिए इसको हमने अलग पलट करके चारों तरफ से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो चलिए इसके साथ खाने के लिए, नगेट्स के साथ खाने के लिए हम एक डिप तैयार कर लेते हैं। तो ये मेयोनीज लेंगे हम, टमाटो केचप डालेंगे, 1/3 टीस्पून वाइट पेपर डालेंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए मैकडोनल्ड्स में आपने खाया होगा तो यही डिप तैयार होती है वहाँ पे।